हेलो क्लास, हम हिंदी व्याकरण में पार्ट 16 विशेषण के विषय में पढ़ रहे थे कि विशेषण किसे कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको विशेषण की परिभाषा के विषय में बताया था, इसके उदाहरणों के विषय में बताया था और इसके कितने भेद हैं विशेषण के, उसके विषय में बताया था। आज मैं आपको विशेषण की अवस्थाओं के विषय में बताऊंगी कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो विशेषण में तुलना की दृष्टि से तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी तीन अवस्थाएं होती हैं? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, ये तीन अवस्थाएं होती हैं इस विशेषण में, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में क्या होता है? इसमें किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान, ठीक है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की विशेषता का बोध कराया जाता है। ठीक है, किसी भी एक को विशिष्ट बताया जाता है और सामान्य रूप से उसको बताया जाता है कि इसकी कौन सी अवस्था है। तो जैसे मान लीजिए, इसमें एक उदाहरण है, ये आम बहुत मीठा है। ठीक है, तो सामान्य तौर पर बस ये नॉर्मल सी बात कही जा रही है कि ये आम बहुत मीठा है। किसी भी एक वस्तु के विषय में बताया गया है, मतलब आम के विषय में बताया गया है कि ये बहुत मीठा है। इसमें किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की तुलना नहीं की जाती है, केवल एक ही व्यक्ति का या वस्तु का, उसकी विशेषता का बोध कराया जाता है। फिर है इसमें उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या होता है? इसमें किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की, मतलब इसमें क्या होता है, कंपैरिजन करा जाता है, तुलना की जाती है, किसी भी वस्तु की, व्यक्ति की या स्थान की तुलना की जाती है दोनों में से कि किससे कौन अच्छा है या किससे कौन बुरा है। मान लीजिए इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है, मोहन श्याम से अधिक बलवान है। ठीक है, मोहन श्याम से अधिक बलवान है, तो जो मोहन है उसको अधिक बलवान बताया जा रहा है किससे, श्याम से। तो इसमें दो लोगों में कंपैरिजन या फिर तुलना बताई जा रही है कि कौन किससे अधिक बलवान है। तो उत्तरावस्था में यही होता है, दो व्यक्तियों या वस्तुओं या स्थान की तुलना करके किसी एक व्यक्ति को अच्छा या बुरा या बलवान, इसमें बताया गया बलवान उदाहरण दिया गया है, वो बताया जाता है। उसके बाद में उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की, ठीक है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान में इन व्यक्तियों की जब तुलना की जाती है तो इसमें एक को सबसे अधिक अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे कि इसमें दो व्यक्ति भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं और बहुत से व्यक्ति भी आ सकते हैं, तो उन सबको कंपैरिजन करके केवल एक व्यक्ति को ही अच्छा या बुरा बताते हैं। इसमें बताया गया है कि नैना सबसे अधिक समझदार है। मान लीजिए क्लास में बहुत सी लड़की बैठी हुई है, कक्षा में बहुत से छात्र हैं, उनमें केवल एक ही अर्थात नैना को बताया गया है कि वो सबसे अधिक समझदार है। ये उसमें उत्तमावस्था का उदाहरण है। उत्तमावस्था मतलब सबसे अधिक जो उत्तम होता है, सबसे अधिक जो अच्छा होता है, इसके विषय में बताया गया है। तो इसी के साथ ही हमारा ये पाठ समाप्त होता है विशेषण। और अगले वीडियो में मैं आपको जो क्रिया आपका चैप्टर है उसके विषय में बताऊंगी। धन्यवाद।